हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्ष है और मैं उत्तराखंड के एक छोटे से शहर का रहने वाला हूँ। अब मैं आपको अपने बारे में कुछ खास जानकारियाँ देता हूँ। मैं यहाँ अपने माँ और बहन के साथ में रहता हूँ, क्योंकि हमारे परिवार में सिर्फ 3 ही लोग हैं, मैं, मेरी बड़ी बहन और मेरी माँ। मेरे पिताजी की मौत तब हो गई थी जब मैं 6 साल का था। मेरी माँ ने मुझे बताया कि उनकी मौत एक बेहद ही गंभीर बीमारी के कारण हुई थी, और तब से मेरी माँ ने ही मुझे पाला है। वो दूसरों के यहाँ जाकर खाना बनाया करती, झाड़ू पोछा किया करती, और इसी तरह से उन्होंने मुझे पाला है। वो हमसे बार बार कहा करती कि बस कुछ दिनों की बात और है, जब तुम लोग बड़े हो जाओगे तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे ये दुख के दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, क्योंकि जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे मेरी आदतें भी बिगड़ती गई। मैं ऐसे लोगों से दोस्ती कर बैठा था जो कि नशा किया करते, बदमाशी किया करते। वो पूरे दिन सड़कों पर बाइक लेकर स्टंट किया करते। वो बाइक को एक चक्के पर उठाकर चलाते और खुद को बहुत ही कूल साबित किया करते। लेकिन मुझे भी अब स्टंट करने का शौक लग चुका था। बल्कि मैं ये कहूँ कि मैं उनके साथ इसीलिए रहता था कि मैं उनके जैसा स्टंट करना सीख पाऊँ, और मैं सीखा। मैं उनके जैसा स्टंट करने के लिए उनकी बाइक मांगा करता, लेकिन वो ज़्यादातर मना कर दिया करते। पर जब कभी भी वो मुझे बाइक देते थे तो मेरी स्टंट को देखकर मेरे दोस्त भी इम्प्रेस हो जाया करते। वो मुझसे कहा करते कि तुम इतनी अच्छी स्टंट करना कैसे सीख पाए, तुम्हारे पास तो बाइक भी नहीं है, तुम बस कभी कभार के लिए ही मेरी बाइक को लेते हो और इसमें ही तुम इतनी अच्छा स्टंट करना सीख गए। तो मैं भी उनसे कह देता, मौत का डर नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं शायद इतनी अच्छा स्टंट कर पाता हूँ। लेकिन वो मुझसे कहा करते कि तुम्हें खुद की एक बाइक खरीदनी चाहिए और उसी से तुम्हें स्टंट करना चाहिए, यहाँ शहर की सभी लड़कियाँ तुम्हारे ऊपर फिदा हो जाएगी। लेकिन मैं उनसे कहा करता कि देख भाई, मैं इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, वैसे भी मुझ जैसे गरीब को भला कौन लड़की पूछेगी। और रही बाइक खरीदने की बात, तो मेरे पास तो सेकेंड हैंड बाइक खरीदने तक के पैसे नहीं हैं, तो मैं नया बाइक कहाँ से ले पाऊँगा। तो वो मुझसे कहने लगा, जा अपनी माँ से मांग, नहीं तो कहीं पे चोरी कर ले, फिर पैसे ही पैसे तू नई बाइक खरीद लेना। मैं उसे कहने लगा, चोरी? नहीं नहीं, मैं चोरी नहीं करना चाहता, मैं भले ही गरीब हूँ लेकिन मैं चोरी नहीं कर सकता। फिर मैं शाम के वक्त अपने घर गया था और मैं अपनी माँ से पैसे मांगना चाहता था, लेकिन वहाँ पर मेरी माँ मुझे सूखी रोटियाँ परोसने के बाद कहने लगी थी कि बेटा कुछ काम कर ले, क्योंकि अब मैं और कर्ज के बोझ तले नहीं दबना चाहती। तुम्हारी बहन को कुछ दिनों के बाद वार्मी का एडमिशन करवाना है और हमारे पास एडमिशन करवाने तक के पैसे नहीं हैं। तुम अपने दीदी को देखो, इसने कई सालों से एक नए कपड़े तक नहीं लिए हैं। वो इससे आगे और भी कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन इतना बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, और मुझे भी अब खाना तक नहीं खाया गया था। मैं उठकर अपनी टूटी खाट पर जाकर लेट गया और सोचने लगा था कि हमारे घर में 2 वक्त खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं और मैं बाइक लेने का सोच रहा हूँ। वाह रे गरीबी, मुझे अब यहाँ पर कुछ काम करना होगा। इतना सोचते सोचते मैं सो गया था और सुबह हुई। सुबह के वक्त मैं अपने एक दोस्त के पास गया। मेरे दोस्तों में बस यही एक मेरा दोस्त था जो कि अच्छा था। वो ना तो कोई नशा किया करता था और ना ही बदमाशी करता था। और मैं उसके पास जाकर कहने लगा था, भाई मैं काम करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे कोई काम दिलवा सकते हो? तुम्हारी तो शहरों में बहुत ज़्यादा पहचान है ना, इसलिए तुम मुझे कहीं पे काम पे लगवा दो, चाहे उस काम में मुझे 2 से 4 हज़ार रुपये ही क्यों ना मिले। मेरी घर की हालात इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता, तुम भी शायद मेरी घर के हालात के बारे में अच्छे से जानते होगे। तो वो भी कहने लगा था, क्या सच में तुम काम करना चाहते हो? तो मैं कहने लगा था, हाँ। तो उसने कहा, यार तुम ऐसे छोटे मोटे काम क्यों करना चाहते हो? तुम इतनी अच्छी बाइक स्टंट कर लेते हो, तुम्हें तो स्टंटमैन का काम मिल सकता है, क्या तुम करना चाहोगे? तो मैं भी कहने लगा था, हाँ भाई अगर ऐसा हो सकता है तो मुझे लगवा दे। तो वो कहने लगा था, मेरे एक अंकल रहते हैं महाराष्ट्र में,
वो मूवी के डायरेक्टर हैं। अगर तुम कहो तो मैं उनसे बात करता हूँ। तुम्हें उनके लिए काम करना होगा। तुम्हें बस मूवी के स्टंट वाले सीन की शूटिंग करवानी है और इसके बदले तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। तुम मेरी बाइक ले लेना। मेरे पास 4-5 बाइक पड़े हुए हैं। उनमें से तुम कोई एक बाइक ले लो और तुम उसे लेकर महाराष्ट्र चलना मेरे साथ। मैं भी कल तुम्हारे साथ चलूँगा महाराष्ट्र, और मैं तुम्हें वहाँ पर काम पर लगवा कर फिर चलाऊँगा। वो इतना बोल रहा था और मैं भी कहने लगा था, तो फिर ठीक है, मैं कल तुम्हारे पास सुबह के 6 बजे के लगभग आऊँगा। उसके बाद हम दोनों चलेंगे महाराष्ट्र। इतना बोलकर मैं अपने घर आ गया था और उसके बाद मैं अपनी माँ को ये बात बताई। मेरी माँ भी खुश थी, लेकिन बहन मेरी कह रही थी कि तुम स्टंटमैन का काम करोगे, तुम्हें पता है उसमें कितना ज़्यादा खतरा होता है, तुम्हें चोट लग सकती है, तुम ये काम मत करो, कोई छोटे मोटे ही काम कर लो। लेकिन मैं कह रहा था, नहीं, मुझे चोट नहीं लगेगी, मैं इतनी अच्छी बाइक चला लेता हूँ, तुमने भी देखा ही कहाँ है। मैं उससे ऐसा कह रहा था, लेकिन मेरी बहन बार बार मुझे मना किए जा रही थी। फिर अगली सुबह के लगभग 6 बजे के करीब मैं पहुंचा था अपने दोस्त के घर। वो भी रेडी था और वो अपनी बाइक लेकर महाराष्ट्र के लिए निकल पड़ा था। मैं उसके बाइक के पीछे बैठा था और फिर हम दोनों महाराष्ट्र पहुंचे। वहां उनके अंकल के घर गया था और वो मुझसे कह रहे थे, तुम ही हो, तुम अच्छे स्टंट तो कर लेते हो ना, तुम मूवी में स्टंट का काम तो कर लोगे ना। तो मैं भी कह रहा था, हाँ कर लूँगा, आप ट्राई करके देख सकते हो। फिर उसने मुझे 1-2 स्टंट करने के लिए कहा था और मैं भी स्टंट उनके सामने ही किया था। वो भी खुश थे, वो भी कह रहे थे, बहुत बढ़िया, तुम बहुत अच्छे स्टंट कर लेते हो, तुम्हें तो अच्छी अच्छी मूवी में काम मिल सकती है। फिर वहाँ से वो मेरा दोस्त चला आया था और मैं वहाँ उनके अंकल के साथ रहने लगा था। उसके कुछ ही दिनों बाद मुझे एक मूवी में स्टंटमैन का काम मिल गया। मैं वहाँ पर स्टंट किया था और बस मैंने 5 मिनट तक ही वहाँ पर शूटिंग का काम किया था, स्टंट का काम, और उसके बदले उन्होंने मेरे हाथों में 20,000 रुपये थमा दिए थे। वो मुझे कह रहे थे, बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ये लो 20,000 रुपये, ये तुम्हारे काम आएंगे। मैं भी खुश था और मैं उनसे कहने लगा था कि अंकल अब ये दूसरी शूटिंग कब होगी, कितने दिनों के बाद होगी, आज ही होगी, कल होगी, परसों होगी, या फिर कितने दिनों के बाद होगी। तो अंकल कहने लगे थे कि अब अगली शूटिंग 10 दिनों के बाद होने वाली है, तुम यहाँ पर रह सकते हो। लेकिन मैं उनसे कह रहा था कि क्या मैं घर जा सकता हूँ, मैं 10 दिनों के बाद फिर चलाऊँगा। तो वो कहने लगे थे, अगर तुम्हारी मर्जी है तो जाओ, लेकिन फिर 10 दिनों के बाद आ जाना, बस तुम्हें 10 दिनों के बाद यहाँ पर आना है, मैं तुम्हें नहीं रुकूँगा। वो ऐसा कह रहे थे और मैं भी अब अपने घर जाना चाहता था, क्योंकि मैं ये पैसे अपनी बहन को देना चाहता था, उसे एडमिशन करवानी थी, इसलिए मैं भी बाइक लेकर अपने गाँव के लिए निकल पड़ा था। और मैं वहाँ शाम के लगभग 4 बजे के करीब मैं अपने घर पहुँचा। घर पहुंचा तो मेरी दीदी भी मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन मैंने देखा कि मेरी माँ बीमार लग रही थी, वो खाट पर लेटी हुई थी और खांस रही थी। तब मैंने भी पूछा कि माँ को क्या हुआ है, तो दीदी ने बताना शुरू किया था कि इन्हें खांसी हो रही है, इन्हें बहुत ज़्यादा बुखार है और इन्हें इलाज की ज़रूरत है, अगर तुम्हारे पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो इनका इलाज करवाओ। उसके बाद मैं अपने माँ के पास जाकर बैठा था, उनके हाथ को पकड़ते हुए मैं देख रहा था उन्हें कितना ज़्यादा बुखार है, उनका शरीर बहुत ज़्यादा गर्म था। और मैं अपनी माँ से कहने लगा था, चलो मैं तुम्हें अभी ही डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। लेकिन माँ मना करने लगी थी, वो कहने लगी थी, कल तुम्हारे बहन का एडमिशन है, जब तुम जाओगे एडमिशन करवाने के लिए तब मुझे लेकर चलना, वैसे वैसे ही तुम अपनी बहन का एडमिशन भी करवा देना और मुझे थोड़ी बहुत दवाइयाँ दिलवा देना, मैं ठीक हो जाऊँगी। फिर सुबह हुई और सुबह के वक्त मैं अपनी बहन और अपनी माँ को अपनी बाइक से लेकर निकल पड़ा था। मैं सबसे पहले डॉक्टर के पास गया और उनको दवाई दिलवाई। मैं अपनी माँ को दवाई दिलवाकर कॉलेज गया था। वहाँ पे अपनी बहन का एडमिशन करवाकर शाम के लगभग 4 बजे के करीब वहाँ आसमान में काले काले बादल छाना शुरू हो गए थे और ऐसा लगने लगा था कि जैसे कुछ ही देर में अब बारिश शुरू होने वाली है। इस वजह से मैंने उस शॉर्टकट रास्ते वाले का चुनाव कर लिया था, मैं उसी रास्ते से अपने घर तक आना चाहता था। ये रास्ता मेरे शहर के बाहर से होकर गुजरती थी जो हमें घर तक पहुंचाती, लेकिन ये रास्ता पहाड़ों से बिल्कुल लगकर बनाया गया था और वहीं रास्ते में हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर एक ब्रिज बना हुआ था और गांव के लोगों का कहना था कि ये ब्रिज हॉन्टेड है। वहां उस ब्रिज के नीचे से
एक बहुत ही बड़ी नदी गुजरती थी और उसी नदी को पार करके हमें इस रास्ते से घर तक आना था और मैं उसी रास्ते से अपने घर की ओर आने के लिए निकल पड़ा। मेरी माँ इस रास्ते से आते हुए मुझे देखकर कहने लगी थी, बेटा इस रास्ते से हमें नहीं जाना, शाम होने वाली है और तुम्हें तो पता है ना कि इस रास्ते में वो ब्रिज पड़ता है जो कि हॉन्टेड है, वहाँ पर अब तक बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं और वहाँ पर भूतों का बसेरा है। लेकिन मैं उनसे कहने लगा था, माँ ये सब गाँव वालों का अफवाह है, अगर मैं इस रास्ते से घर नहीं गया तो शहर वाले रास्ते से मैं घर पहुंचने में बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी और रास्ते में बारिश अगर शुरू हो गई तो आपका तो तबीयत पहले से ही ख़राब है और इसी वजह से बारिश होने के कारण आपका तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है, इसलिए मैंने शॉर्टकट वाले रास्ते का चुनाव किया। वहाँ मेरी बहन भी कह रही थी, कोई बात नहीं भाई, हम भीग जाएंगे लेकिन हमें इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, यकीनन ये रास्ता हॉन्टेड है, तुम मेरी बातों पर यकीन करो। लेकिन मैंने उन लोगों की बात ना सुनकर शायद बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैं उसी रास्ते से घर के लिए आ रहा था लेकिन आसमान में काले काले बादल छाए होने के कारण ऐसा लग रहा था कि जैसे शाम के वक्त ही रात होना शुरू हो गया है, वहाँ पे अंधेरा सा छाना शुरू हो गया था और अब मैं उस ब्रिज के पास पहुँचने वाला था जिस ब्रिज को हॉन्टेड माना जाता था और उस ब्रिज से हमारा घर सिर्फ थोड़ी ही दूरी पर था, हम लगभग 5 से 7 मिनट में ही अपने घर पहुँच जाते। लेकिन वहाँ हल्की हल्की सी बारिश होना शुरू हो गई थी और मैं अपनी माँ को भीगने नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी बाइक की रफ्तार बढ़ा ली और मैं जल्दी जल्दी से अपनी बाइक को भगाता हुआ अपने घर पहुँचना चाहता था। मैं वैसे ही अपने बाइक की रफ्तार को बढ़ाते हुए उसी ब्रिज पर पहुँचा था। मैंने लगभग उस ब्रिज को आधा क्रॉस कर लिया था लेकिन तभी वहाँ अचानक से बिजली चमकी थी और मेरे बाइक के सामने कोई काली सी परछाई आ गई थी। मैं उस परछाई को देखकर इतना ज़्यादा डर गया था क्योंकि वो अचानक मेरे सामने आई थी और मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं अपने बाइक को संभाल ही नहीं पाया। मैं अपने बाइक के हैंडल को संभालने की तो बहुत कोशिश की थी लेकिन बारिश होने के कारण वहाँ सड़कों पर थोड़ी थोड़ी बारिश का पानी जमा हो गई थी जिस वजह से मेरी बाइक का टायर इतनी तेज़ स्लिप हुई थी कि मैं अपने बाइक को संभाल तक नहीं पाया था और मैं सीधा अपने बाइक समेत ही उस ब्रिज के दीवार से जाकर टकराया था। ये टक्कर इतनी ज़्यादा ज़ोरदार थी कि कुछ पलों के लिए तो मेरी आंखें बिल्कुल बंद हो गई थी लेकिन कुछ देर के बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि मेरे सर से बहुत ज़्यादा खून बह रही थी। लेकिन फिर भी मैं किसी तरह से उठा और मैं अपनी माँ और बहन को देखना चाहता था, वो ठीक तो है ना। मैं उनके पास घसीटता हुआ गया लेकिन उनके सर से भी बहुत ज़्यादा खून बह रही थी और वो मेरी तरफ ही देखकर हल्की हल्की सी शब्दों में कुछ बुड़बुड़ाए जा रही थी। वो मुझसे कह रही थी, बेटा तू ठीक तो है ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी, वहाँ पे वो ऐसा कह रही थी। और इतना बोलते बोलते ही उनके वो शब्द उनके मुँह से निकलना बंद हो गए थे और उनकी आँखें अब बंद हो गई थी। मैं अपनी माँ को झकझोरना शुरू कर दिया था, मैं उनसे बात करना चाहता था लेकिन वो चुप हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं उसी तरह से घसीटते हुए अपनी बहन के पास गया, उसके भी सर से बहुत ज़्यादा खून बह रही थी और मैं भी उसे हिलाते हुए कहने लगा था, दीदी कुछ तो बोलो। लेकिन उसके भी वही शब्द थे, वो मध्यम से हल्के से शब्द, वो कह रही थी, भाई तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई, तुम कभी भी ये मत सोचना कि तुम्हारे वजह से हमें इतनी चोट लगी है, शायद हमारी मौत हो जाए, लेकिन तुम कभी भी ये मत सोचना कि तुम्हारे वजह से जो कुछ भी हुआ है तुम ऐसा कभी भी अपने दिमाग में मत रखना। वो इतना बोल रही थी और इतना बोलते बोलते ही उनकी भी आंखें बंद हो गई। अब मैं भी वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहने लगा था, कोई हमारी मदद करो, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा चोट लगा था, मेरे सर से भी बहुत ज़्यादा खून बह जा रही थी और मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैं फिर से अपनी बाइक को नहीं चला पाता, इस वजह से मैं वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहने लगा था कि कोई हमारी मदद करो, हमें बहुत ज़्यादा चोट लगी है, अगर कोई यहाँ पे आसपास हो तो हमें बचाओ। लेकिन तभी वहाँ सामने की ओर से चलता हुआ गाड़ी आई थी, वो काले रंग की गाड़ी थी और वो गाड़ी हमारे पास आकर रुकी और उस गाड़ी से एक लड़की उतर कर हमारे पास आई थी। वो हमारे पास आ ही रही थी लेकिन तब तक मेरी भी आंखें बंद होना शुरू हो गई थी, मेरे दिमाग बहुत ज़्यादा चकराए जा रहे थे और मैं भी वहीं पर बेहोश हो गया।
उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था। फिर दोबारा मेरी आँख खुली थी, तब मैं अस्पताल में था। वहाँ अस्पताल में बेड पर लेटे हुआ था और मेरे सर पर पट्टियाँ लगाई गई थी। जब मेरी आँख वहाँ अस्पताल में खुली थी तो मैंने देखा कि वो लड़की जो उस गाड़ी से उतरकर मेरे पास आई थी, वो लड़की मेरे पास ही बैठी हुई थी। शायद उसने ही मुझे यहाँ अस्पताल में भर्ती करवाया था। उसके बाद मैं उस लड़की से कहने लगा, मेरे माँ और बहन कहाँ पे हैं? तो उसने जवाब दिया कि यहीं हैं अस्पताल में। तुम चिंता मत करो, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो लड़की मुझसे ऐसा कह रही थी, लेकिन मैं उनसे कह रहा था कि मेरी बहन और मेरी माँ ठीक तो है ना, वो कैसी हैं? मेरी इस बात पर वो लड़की कुछ जवाब नहीं दे रही थी। उसकी नज़रें अब जैसे झुक सी गई थी। उसने अपने सर को झुका लिया था और मैं भी उससे पूछने लगा था, क्या हुआ है? वो लड़की कुछ बोल नहीं रही थी और मेरी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हुए जा रही थी। मैं उससे बार बार पूछ रहा था, कुछ तो बोलो, मेरी माँ और मेरी बहन सही सलामत तो है ना? तब उस लड़की ने बताना शुरू किया था, नहीं, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन की मौत हो चुकी है। वहाँ पे जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, उसी समय तुम्हारी माँ और बहन की मौत हो गई थी। उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा रोने लगा था और अपने बेड पर से उठकर वहाँ अस्पताल में जाने लगा था, अपनी माँ और बहन की लाश के पास। वहाँ जाकर मैं रोना चाहता था, लेकिन वहाँ पर जितनी भी नर्स थी, जितने भी डॉक्टर थे, वो मुझे पकड़ना चाहते थे। वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं भागता हुआ अपनी माँ और बहन के लाश के पास पहुँचा। वहाँ जाकर मैं बहुत ज़्यादा रोने लगा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे ही वजह से इन दोनों की मौत हुई है। ये बार बार मुझे मना किए जा रही थी कि मुझे इस रास्ते से नहीं जाना, लेकिन मैं इसी रास्ते से आया। इनकी मौत मेरे ही वजह से हुई है। मैं वहाँ अपनी माँ और बहन की लाश को पकड़कर रोए जा रहा था कि तभी वो लड़की मेरे पास आई जिसने मुझे इस अस्पताल में एडमिट करवाया था। वो मेरे पास आकर मुझे कंधे से पकड़कर कहने लगी थी, हर्ष तुम मेरे साथ आओ। मुझे नहीं पता कि उसे मेरा नाम कैसे पता था। वो मुझे बुलाई थी और मैं भी उसके साथ साथ चल पड़ा था। मुझे समझ ही नहीं आया, मैं उस लड़की के साथ जाना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा शरीर अपने आप ही उस लड़की के साथ चलना शुरू हो गया था, जैसे उसने मुझे हिप्नोटाइज करके रखा हो। वो मुझे अपने साथ वहीं अस्पताल के बाहर उस पार्क में लेकर आया था जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए थे। वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं था और वो लड़की वहाँ पे जाके रुकी। वो मेरी तरफ चुटकी बजाकर कहने लगी थी, हर्ष मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है। मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन को अभी भी बचा सकती हूँ। तुम्हारी माँ मर चुकी है, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारे माँ और बहन को जिंदा कर सकती हूँ। बस तुम्हें मेरी बातों को मानना होगा। वो लड़की मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं भी उसे कहने लगा था, क्या सच में मेरी माँ और बहन अभी भी जिंदा हो सकती है? तो वो कहने लगी थी, हाँ हो सकती है, बस तुम्हें कुछ काम करने होंगे। तो मैं भी कहने लगा था, चाहे जो भी हो, मेरी माँ और बहन को जिंदा करने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगा, बस मेरी माँ और बहन बच जाए। वो लड़की भी कहने लगी थी, तो फिर ठीक है, तुम्हें दो ताबूत बनवाने हैं, ऐसे ताबूत जिनमें कि बर्फ की सिल्लियाँ रखी जा सके, बड़ी बड़ी बर्फ की सिल्लियाँ। तुम्हें इतने बड़े बड़े दो ताबूत बनवाने हैं और उन ताबूतों में बर्फ की सिल्लियाँ को भरकर यहाँ इस अस्पताल में लाना है, और फिर उन ताबूतों में तुम्हारे माँ और बहन की सब को रखना है, जिस वजह से तुम्हारी माँ और बहन की बॉडी बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। और इस तरह से तुम उन दोनों ताबूतों को लेकर उसी ब्रिज पर आना रात के 12 बजे के करीब। बिल्कुल रात के 12 बजे के करीब तुम्हें उसी ब्रिज पर आना है जहाँ पे तुम्हारी माँ और बहन की एक्सीडेंट हुई थी, वहीं पर तुम्हें आना है। तुम्हें वहीं पर मैं मिलूँगी और तुम रात के वक्त आना। उसके बाद मैं तुम्हें यकीन दिलवाती हूँ कि तुम्हारी माँ और बहन बच जाएगी। मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मैं उससे कह रहा था कि अगर ऐसा हो सकता है तो मैं ज़रूर करूँगा, बस मेरी माँ और बहन बच जाए। फिर मैं वहीं पास के ही एक कारपेंटर के पास गया जो कि ताबूतों को बनाता था। वहाँ पर मैं जाकर दो इतने बड़े बड़े ताबूत बनवाए जिसमें कि आसानी से बर्फ की सिल्लियाँ रखी जा सके और उसमें बॉडी भी आ सके। इतना बड़ा बड़ा दो ताबूत बनवाया। उसके बाद मैंने बर्फ की सिल्लियाँ बाजार से खरीद कर उन ताबूतों में भर दी और फिर मैं अस्पताल पहुँचा। वहाँ से मैंने अपनी माँ की बॉडी और बहन की बॉडी उन दोनों ताबूतों में डाल दी और उसे बंद कर दिया। और शाम का वक्त हो चला था, शाम के लगभग 9 बजे के करीब।
मुझे उसकी बातें याद आने लगी थी। मुझे 12 बजे के करीब वहाँ उस ब्रिज पर जाना है। मैं वहाँ अस्पताल में एम्बुलेंस वालों से कहना शुरू कर दिया था कि मुझे 11 बजे यहाँ से अपने घर जाना है इन बॉडी को लेकर। तो वहाँ पर एम्बुलेंस वाले भी मान चुके थे। और फिर 11 बजे के करीब मैं उन दोनों लाशों को लेकर, अपनी माँ और बहन की लाशों को लेकर उसी ब्रिज के पास पहुँचा था। वहाँ मैं एम्बुलेंस को रुकवा कर उनसे माँ और बहन की लाशें जो उन ताबूतों में बंद थी, उन दोनों ताबूतों को वहीं ब्रिज के नीचे रखवा दिया। फिर वहाँ से एम्बुलेंस वाले भी चले गए थे एम्बुलेंस को लेकर, और मैं उसी ब्रिज पर खड़ा होकर उस लड़की का इंतज़ार करने लगा था। उसने कहा था कि मैं 12 बजे के करीब यहाँ इसी ब्रिज पर तुमसे मिलूँगी, लेकिन यहाँ पर तो वो लड़की नज़र नहीं आ रही थी। वहाँ नीचे मेरे ही बगल में मेरी माँ और बहन की लाशें पड़ी थी, लेकिन एक उम्मीद सी थी कि मेरी माँ और बहन बच सकती है, इसीलिए मैं उस लड़की का इंतज़ार वहाँ पे कर रहा था। आसमान से भी अब काले बादल छट चुके थे और वहाँ आसमान में चांदनी थी जिसकी रोशनी जो पानी से टकराकर मेरी आँखों पर साफ साफ पड़ रही थी। उसकी रोशनी में वो नदी का पानी भी जैसे नीले रंग का प्रतीत हो रहा था। वो देखने में बहुत ही सुंदर सा दृश्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही मुझे वो एक्सीडेंट वाली बात याद आती, मेरे चेहरे से वो मुस्कान गायब सी हो जाती। मैं उस लड़की का इंतज़ार कर रहा था और लगभग 12 बजे के करीब वो लड़की आई थी। उसी ब्रिज पर वो लड़की आई थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत ज़्यादा सुंदर। उसने कई सारे हीरे जवाहरात के गहने पहने हुए थे और उसके बाल भी जैसे चांद की रोशनी में चमक से रहे थे। उनके बालों से भी नीले रंग की रोशनी निकले जा रही थी और मैं समझ नहीं पा रहा था। मुझे लग रहा था कि ये कितनी ज़्यादा अमीर है, अपने बालों में भी जैसे लाइटिंग इफेक्ट करवा के रखी है। वो मेरे पास आई थी और उसके कपड़े, उसके वो साड़ियाँ, उसके पहनावे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी राजाओं के घराने से हो। वो मेरे पास आई थी और वो मुझसे कहने लगी थी, बहुत अच्छे, तुम इन दोनों बॉडी को यहाँ पर लेकर आ गए और अब तुम ज़्यादा घबराओ मत, तुम्हारी माँ और बहन बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, वो पहले जैसे स्वस्थ हो जाएंगी और ये फिर से जीवित हो जाएंगी। तो मैं भी उनसे कहने लगा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मर चुकी हैं, लेकिन ये जिंदा कैसे हो सकती है। तो उसने बताना शुरू किया था, तुम्हें पता है जब कोई आदमी मरता है, जब कोई इंसान मरता है तो उसकी आत्मा तब तक उसी की शरीर के साथ रहती है जब तक कि उसको जलाया ना जाए, जब तक उसका दाह संस्कार ना कर दिया जाए। इसीलिए मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारे बहन के सबको यहाँ पर मंगवाई हूँ, अब इसे मैं लेकर अपनी दुनिया में जाऊँगी। वो ऐसा कह रही थी और मैं उसे कहने लगा था, अपनी दुनिया में, मतलब कि तुम्हारी दुनिया अलग है। तो वो कहने लगी थी, हाँ मेरी दुनिया अलग है। तो मैं उसे कहने लगा था, कौन हो तुम और तुम्हारी दुनिया अलग कैसे है। तो उसने बताना शुरू किया था, मेरा नाम नीलावंती है और मैं यक्षिणी हूँ। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हारे जैसा आम इंसान हूँ? नहीं, मैं एक यक्षिणी हूँ और मेरा नाम है नीलावंती। मैं कभी कभी अपनी दुनिया से इस दुनिया में घूमने के लिए आया करती थी। इसी तरह से मैं कल भी इस पहाड़ी पर घूमने के लिए आई थी और मैं उस पहाड़ी से उतरकर यहाँ इस पुल पे आई थी, इस ब्रिज पे आई थी, लेकिन तब मैंने देखा था कि तुम अपनी वाहन से बहुत ही तेज गति से इस ब्रिज की ओर आ रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पे एक बुरी आत्मा थी, एक बुरा साया था जो तुम्हारे वाहन के सामने आकर खड़ी हो गई थी और वो हंसने लगी थी। मैं यहीं पर खड़ा होकर उसे देखे जा रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम इसे देखकर डर जाओगे और तुम अपनी ये वाहन को यहाँ पे नीचे गिरा दोगे। मैं नहीं जानती थी और तुमने ऐसा ही किया, तुम्हारे वाहन यहाँ पे नीचे गिरे थे और तुम सीधा जाकर इस ब्रिज से टकराए थे, इस पुल से जाकर टकराए थे, जिस वजह से तुम्हारी माँ और बहन की मौत हो गई। उसके बाद मैं ऐसे तुम्हारे सामने तो नहीं आ सकती थी ना, इसीलिए मैं भी अपना वेश को बदला और मैं एक वाहन को बनाकर अपनी शक्तियों से उसी वाहन से तुम्हारे सामने आया। उसके बाद मैं तुम्हें अस्पताल में एडमिट करवाई। वो ऐसा कह रही थी और मैं उससे कहने लगा था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें बचाया है। उसके बाद वो कहने लगी थी, हाँ अभी मैं तुम्हारे माँ और बहन को भी बचा सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है, मैं तुम्हारी माँ और बहन को जिंदा करूँगी, उसके बदले तुम्हें अपने साथ अपनी दुनिया में घुमाना होगा, यहाँ इस दुनिया को घुमाना होगा तुम्हें अपने साथ, लेकिन जब मैं तुम्हारे माँ और बहन को बचा लूँगी उसके बाद। तो मैं भी मान गया था, मैं भी कहने लगा था, बस इतनी छोटी सी बात
अगर तुम इसके बदले मेरी जान भी मांगोगे तो मैं खुशी खुशी देने के लिए तैयार हूँ, तो नीलावंती कहने लगी थी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे जान का क्या करूँगी, बस तुम्हें घुमाना होगा अपने साथ अपनी दुनिया को। उसके बाद मैं भी मान गया था और वो कहने लगी थी, तो फिर ठीक है, चलो नदी के नीचे चलो। मैं कहने लगा था, नदी के नीचे? क्या नदी के नीचे से तुम्हारी दुनिया जाती है? तो कहने लगी थी, नहीं नहीं, यहाँ इस दुनिया से भी जाने के दरवाजे हैं, लेकिन वहाँ से तुम दोनों नहीं जा सकते, सिर्फ मैं जा सकती हूँ इस दुनिया से अपनी दुनिया में। अगर तुम्हें जाना है, अगर तुम्हें अपनी माँ और बहन के साथ मेरी दुनिया में जाना है, तो इस नदी के रास्ते से तुम्हें चलना होगा मेरे साथ, और वहाँ से फिर तुम पहुँचोगे मेरी दुनिया में, यक्षिणियों की दुनिया में। तुम मेरा हाथ को पकड़ो, और मेरे हाथ को पकड़े हुए तुम इन दोनों सबों को छूकर रखना। उसके बाद मैंने ऐसा ही किया। उसने अपनी आँख बंद की थी और मुझसे भी कहा था, अपनी आँखों को बंद करो। मैं आँख बंद करके ही अपनी माँ और बहन के सब को छुए हुए था और उसकी हाथ को भी पकड़े हुए था। फिर कुछ ही देर के बाद मैंने जब अपनी आँख खोली थी तो मैंने देखा कि मैं एक नदी में था, वही नदी में जो वहाँ नदी गुजर रही थी उस ब्रिज के नीचे से, उसी नदी में था, लेकिन मैं कश्तियों पे था। वहीं नीलावंती भी उसी कश्ती पर बैठी हुई थी और वो मुझसे कहने लगी थी, ये रहे तुम्हारे माँ और बहन के सब, और ये रहे चप्पू, तुम्हें चप्पू चलाने हैं इस नदी में। तुम चप्पू चलाते जाओ और हम इस नदी में आगे बढ़ते जाएंगे, फिर इसी नदी के रास्ते हम पहुँचेंगे वहाँ नीलावंती की दुनिया में, यक्षिणियों की दुनिया में। फिर इसी तरह से मैं भी वहाँ पर चप्पू चलाना शुरू कर दिया था। उस नदी में मैं चप्पू चलाया जा रहा था और समय था रात के लगभग 1 बजे का। वहाँ पे ठंड सा मौसम था और मैं चप्पू चलाते हुए जा रहा था। वहाँ पे वो कश्ती जो कि एक नाव के जैसा थी वो आगे बढ़े ही जा रही थी, और तब नीलावंती से मैं बातें करना शुरू कर दिया था। वहाँ मैं उससे कह रहा था कि तुम्हारी दुनिया क्या इस दुनिया से अलग होगी? तो कहने लगी थी, हाँ और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी दुनिया जैसी नीलावंती की दुनिया होती है? नहीं, वो एक यक्षिणी की दुनिया है, और वहाँ पे तुम्हें यहाँ के जैसे वाहन नहीं दिखेंगे, यहाँ के जैसे बड़े बड़े ये बिल्डिंग्स नहीं दिखेंगे, और ना ही तुम्हें यहाँ के जैसे लोग वहाँ पे मिलेंगे। वहाँ पे सिर्फ यक्षिणी यक्षिणी होती है, और हर यक्षिणियों के अपना अलग अलग महल होता है। उसके बाद मैं उसे कहने लगा था कि मैंने तो सुना है कि यक्षिणियाँ बुरी होती है, लेकिन तुम कैसी यक्षिणी हो, तुम तो हमारी मदद कर रही हो। तो वो कहने लगी थी, यक्षिणियाँ भी दो तरह की होती है, एक अच्छी यक्षिणी और एक बुरी यक्षिणी। अच्छी यक्षिणी को तुम्हारे दुनिया के लोग देवी की तरह मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन बुरी यक्षिणियों को ऐसे लोग पूजते हैं जो कि बुराई का पुजारी होते हैं, जो कि दुनिया में बुराई फैलाना चाहते हैं। बुरी यक्षिणी जो होती है उसमें हवस बहुत ज़्यादा होती है, वो सिर्फ हवस के लिए ही इंसानों को मार देती है। उससे तुम जितना भी धन दौलत मांगोगे वो तुम्हें देगा सब कुछ, लेकिन उसे हवस बहुत ज़्यादा होती है। वो मुझसे ऐसा कह रही थी, और उसके बाद वहाँ हम उस नदी में आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ देर के बाद हम ऐसी जगह पर पहुँचे थे जहाँ पे दोनों तरफ से झरना बह रहा था। उन झरनों का पानी उस नदी में आकर गिर रहा था, और वहाँ पर पहुँचकर नीलावंती ने मुझसे कहा था, रुको। मैंने भी वहाँ पर चप्पू चलाना बंद कर दिया था, और नीलावंती कह रही थी, कुछ देर यहाँ पे रुको। कुछ ही देर के बाद यहीं पे नीलावंती की दुनिया में जाने का वो रास्ता खुलेगा, वो दरवाज़ा खुलेगा, और हमें यहीं पर रोके रखना है अपनी कश्तियों को। ना तो हमारी कश्तियाँ आगे जानी चाहिए और ना ही पीछे। लेकिन मैं अपनी कश्तियों को रोक ही नहीं पा रहा था। वहाँ पे वो जो धार बह रहे थे, पानियों की धार, वो हमारी कश्तियों को बार बार पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन नीलावंती ने अपनी आँखें बंद करके कुछ मंत्र बोली थी, जिस वजह से हमारी वो कश्तियाँ वहीं पर जम सी गई थी। वहाँ पर हम लोग कुछ देर इंतज़ार किए थे, तभी उस नदी के पानियों से एक रोशनी सी चमकी थी, और वो रोशनी में वो दरवाज़ा खुला था, नीलावंती की दुनिया में जाने का दरवाज़ा। अगले पल हम ऐसे नदी में थे जिसकी पानियाँ नीले रंग की थी, और वहाँ पे नीले रंग की मछलियाँ, वहाँ पे जितने भी जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, आसमान, पहाड़, सभी नीले रंग की थी। और तब नीलावंती कहने लगी थी, देखो यही है नीलावंती की दुनिया, हमें अभी और आगे चलना होगा, क्योंकि यहाँ से नीलावंती का ये दुनिया शुरू तो हो गई है, लेकिन हम यहाँ नहीं रहते। उसके बाद हम चप्पू चलाते गए थे उस नदी में, और वहाँ पे वो मछलियाँ चमके जा रही थी पानी के अंदर, वो नीले रंग की मछलियाँ। वहाँ पे और भी कई तरह के जीव जंतु थे,
वो भी नीले रंग की थी। हम चप्पू चलाते जा रहे थे और उसके बाद नीलाबंती ने उन पेड़ों की ओर इशारा करके कहने लगी, देखो ये यहाँ पे जितने भी तुम्हें पेड़ पौधे दिख रहे हैं ना, ये सभी औषधियाँ हैं। हम नीलाबंती को औषधियों का बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। हम ऐसे ऐसे बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, हमारे इंसानों को भी जीवित कर सकते हैं। हमें औषधियों के बारे में इतना ज़्यादा ज्ञान होता है। यहाँ पे तुम्हें पता है संजीवनी भी है। संजीवनी ये एक ऐसी औषधि होती है जिसकी मदद से किसी भी इंसान को जीवित किया जा सकता है, ऐसे भी इंसान को जिसकी मौत हजारों साल पहले हो चुकी हो। बस उसका वो सब उनका शरीर वो सुरक्षित होना चाहिए। अगर उसका शरीर सुरक्षित है तो ऐसे इंसान को भी जीवित किया जा सकता है। वहाँ पर वो ऐसा कह रही थी और मैं भी उसकी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि मेरी बहन और मेरी माँ जीवित होने वाली थी। उसके बाद मैं चप्पू चलाते गया और आगे चलकर मुझे आसमान में उन बादलों में एक महल दिखाई पड़ा था जो कि नीले रंग की थी। तो नीलावंती भी कहने लगी थी, देखो वही है हमारा महल, हम उसी महल में जाने वाले हैं। आगे हम पहुँचे थे तो वह नदियों का पानी सीढ़ियों का रूप लेने लगी थी। वह नदी का पानी अब सीढ़ियों का रूप बनकर उसी महल तक जा रही थी और तब वहाँ पर नीलावंती कहने लगी थी, हमें अब इन कश्तियों पर से नीचे उतरना होगा। चिंता मत करो, हम नदी में डूबेंगे नहीं। उसके बाद हम वहाँ नीचे उतर चुके थे कश्तियों पर से और नीलावंती ने अपनी उन उंगलियों से कुछ किया था, बस अपनी उंगलियाँ घुमाई थी और मेरी माँ और बहन के सब जो कि उन ताबूतों में रखे गए थे वो हवा में उठ गए थे। और उसके बाद हम उन सीढ़ियों के द्वारा उस महल में जाने लगे। वहाँ सीढ़ियों के किनारे किनारे कई सारे जानवर थे, हिरन और भी कई तरह के जानवर जो कि सभी नीले रंग के नज़र आ रहे थे। वहाँ पे वो नीलावंती का स्वागत कर रहे थे, वहाँ पे वो बातें कर सकते थे और उसकी भाषाएं मुझे भी समझ में आ रही थी। नीलावंती कह रही थी कि तुम नीलावंती की दुनिया में हो, इसीलिए तुम्हें इनकी भाषाएं समझ में आ रही है। चलो हमारे महल में चलो। हम आगे बढ़ते जा रहे थे और पानियों से बना हुआ सीढ़ी हम उसी तरह से चढ़ते हुए ऊपर पहुँचे और वहाँ पर हमने देखा, वहाँ उस महल के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए थे जैसे वहाँ पर पार्क सा बनाया गया हो। लेकिन वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे थे सभी चमक रहे थे, उनसे नीले रंग की रोशनी निकल रही थी और आसमान में सूरज मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था, बस नीले रंग की रोशनी पता नहीं कहाँ से इस दुनिया में आ रही थी जिसकी रोशनी में सभी चीज़ें यहाँ पर नीली ही दिखाई पड़ रही थी। उसके बाद नीलावंती ने इशारा किया, आओ अंदर चलो। अंदर पहुँचे तो अंदर का नज़ारा देखकर मैं और भी ज़्यादा हैरान। वहाँ पे उनकी जितने भी काम करने वाले थे सभी जानवर थे, जितने भी थे सभी अलग अलग प्रकार के जानवर थे, जैसे हिरन, हाथी, सांप, बाघ और भी कई तरह के जानवर। वहाँ नीलावंती को अंदर आता देखकर वो जानवर ऐसे खड़े थे जैसे कि यहाँ पे दरबार लगने वाला हो। जैसे जब किसी राजाओं के यहाँ दरबार लगता है तो उनके प्रजा, उनके मंत्री जिस तरह से आसपास खड़े होते हैं, इसी तरह से यहाँ के जानवर खड़े थे। और ऐसे ही नीलावंती जाकर अपने सिंहासन पर बैठी और उसने इशारा की थी। उसके इशारा करते ही वहाँ जमीन पर एक बड़ा सा बेड आ गया था और उन दोनों ताबूतों से खुलकर मेरी माँ और मेरी बहन का सब उस बेड पर जाकर पड़ चुका था, वहाँ पे रखा जा चुका था। और नीलावंती फिर से इशारा की, वहाँ एक हाथी भागता हुआ गया और अंदर से कुछ जड़ी बूटियों को लेकर आया था। वहाँ उसने जड़ी बूटियों को उसी सब के पास रख दिया। फिर नीलावंती अपने सिंहासन से उठी और उस सब के पास आई। उसने अपने हाथ में एक लकड़ी का कूटने वाला ओखली जैसा कुछ ले आई थी। वो अपनी शक्तियों से उस ओखली को लाई थी और उसके बाद उसने उन जड़ी बूटियों को ओखली में डालकर कूटना शुरू कर दिया था। कुछ ही देर में कूटने के बाद उससे कुछ रस निकली थी, वो रस भी नीले रंग की लग रही थी। फिर नीलावंती ने अपनी आँखें बंद कर ली थी। उसने वहाँ पर कुछ मंत्र बुदबुदाना शुरू कर दिए थे और वहाँ पर रोशनी सी चमकी थी और मेरी माँ और मेरी बहन का वो सब के मुंह जो कि मर चुके थे उनका मुंह खुल चुका था और उसमें नीलावंती ने एक एक चम्मच वो नीले रंग का रस डाला था, वो जूस डाला था। और कुछ देर के बाद नीलावंती फिर से अपनी आंखें खोलकर कहने लगी थी, अगले पाँच घंटे में ये दोनों ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ। लेकिन मैं नीलावंती से कहने लगा था, 5 घंटे लगेंगे? तो नीलावंती हंसते हुए कहने लगी थी, तो और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है ये कोई जादू है कि मैंने जादू चला दी और ये स्वस्थ? ये औषधियाँ हैं और इसे काम करने में कुछ समय का तो वक्त लगता ही है।
उसके बाद वहाँ पर नीलावंती मेरे पास आई थी और कहने लगी थी, आप क्या सोच रहे हो, यहीं पे रहना है या फिर तुम्हारी दुनिया में चलना है? क्योंकि अगर तुम्हारे माँ और तुम्हारी बहन यहाँ पे जगेगी तो वो भी हैरान हो जाएगी, क्योंकि जब वो जगेगी तो उसे लगेगा कि सच में वो मर चुकी है और वो किसी और ही दुनिया में आ गई है। वो भी हंस हंस कर ये कह रही थी और मैं भी कह रहा था, तो फिर ठीक है, हमें चलना चाहिए, हमें उस पृथ्वी पे, हमारी दुनिया में। तो नीलावंती कह रही थी, मैं भी चलूँगी, तुम्हें अपना वादा तो याद है ना, तुम हमें घुमाओगे अपनी दुनिया पृथ्वी को। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी दुनिया को क्यों घूमना चाहती हूँ? क्योंकि हमारे दुनिया में ना तो इंसान हैं, ना ही तुम्हारे दुनिया जैसी तकनीक, ना ही तुम्हारे दुनिया जैसे यहाँ पे बिल्डिंग और ना कुछ खाने पीने की चीज़ें। यहाँ पे सिर्फ ये औषधियाँ हैं और ये नीले रंग के जानवर जिनसे हमें बहुत ज़्यादा लगाव है। तुम ये मत सोचना कि अगर मैं तुम्हारी दुनिया घूमने जा रही हूँ तो मैं अपनी दुनिया को भूल जाऊँगी। ऐसा तुम कदापि भी मत सोचना, क्योंकि हमारी दुनिया और तुम्हारी दुनिया में आसमान ज़मीन का फर्क है। तुम्हारी दुनिया में लोग मर जाते हैं, लेकिन हमारी दुनिया में यहाँ पे इंसानों की उम्र नहीं बढ़ती और ना ही यहाँ पे कोई लोग मरते हैं। यहाँ समय जैसे स्थिर सा रहता है। यहाँ पे लगभग तुम्हारे दुनिया के हिसाब से अब तक 24 घंटे बीतने वाले होंगे, लेकिन तुमने यहाँ पे कभी सूर्य देखा है या फिर तुम्हें ऐसा लगा है कि अब शाम हो गई है या फिर सुबह होने वाली है? नहीं ना। तो मैं भी कह रहा था, हाँ ये तो बिल्कुल सच है। फिर हम उसी नदी में आ चुके थे, वहाँ हम उसी कश्ती पर आ चुके थे और वो अब कश्ती जैसे सोने की बन चुकी थी। वहाँ पे नीलावंती ने अपने जादू से उसे सोने का बना दिया था और उस पर जैसे गद्दे से भी आगे थे। वहाँ पे मेरी माँ और मेरी बहन को सुला दिया गया उसी कश्ती पर और फिर से कहने लगी थी, चलो चप्पू चलाओ, क्योंकि चप्पू तो तुम्हें चलाने ही होंगे। मैं चाहूँ तो अपनी शक्तियों से भी इस कश्ती को चला सकती हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा मैं नहीं करूँगी, तुम्हें तो चप्पू चलाने ही होंगे, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कितना ज़्यादा सहनशील हो, तुम मुझे अपनी दुनिया में घुमा सकते हो या नहीं। मैं जब तुम्हारे साथ इंसान बनकर रहूँगी तब तुम मेरे नखरों को झेल पाओगे या नहीं, मैं ये देखना चाहती हूँ। वो मुझसे शरारते किए जा रही थी और मैं भी खुश था, क्योंकि अब मेरी माँ और मेरी बहन बच चुकी थी। उसके बाद मैं चप्पू चलाता हुआ उस दुनिया को पार करके अपनी दुनिया में आ चुका था और फिर उसी ब्रिज तक मैं पहुँचा था और फिर उसने अपनी चुटकियों को बजाई थी और हम लोग फिर से ब्रिज पर आ चुके थे। वहाँ पे कहने लगी थी, देखो अभी भी यहाँ पे रात का ही समय है। सच में वहाँ पे अभी भी रात था और अब वहाँ पे मेरी माँ और बहन की आंखें खुलना शुरू हो गई थी। वहाँ कुछ ही देर में उसने पूरी तरह से अपनी आंखें खोल ली थी और वो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। वो मुझे गले से लगा ली थी और मैं भी उसे गले लगकर रोने लगा था। मैं कहने लगा था कि माँ आप ठीक हैं? तो वो भी कहने लगी थी, हाँ बेटा मुझे क्या हो सकता है, मैं तो तेरे साथ थी ना, बस मुझे थोड़ा थोड़ा सर दर्द दे रहा था, लेकिन अब बिल्कुल अच्छा लग रहा है, जैसे सर का दर्द अब बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो गई है। लेकिन यहाँ पे इतनी रात कैसे हो गई है, हम तो शाम के वक्त यहाँ से घर जा रहे थे, यहाँ ब्रिज के ऊपर क्या हुआ है ये बताओ? मैं भी हंसते हुए कहने लगा था, कुछ नहीं हुआ है माँ, मेरी आँखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन मेरी बहन मुझे देखते हुए कह रही थी, कुछ तो हुआ है, तुम बताओ कि क्या हुआ था। लेकिन मैं उनको क्या बताता कि मैं यक्षिणियों की दुनिया में गया था, नीलावंती की दुनिया में, और वहाँ से आपको पुनर्जन्म मिला है, आप मर चुकी थी और आपको फिर से जीवित किया गया है। उसको मैं क्या बताता, क्या वो हमारी बातों पर यकीन करते? इसीलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया और हम अब अपने घर जाना चाहते थे। फिर मैंने अपनी वो बाइक उठाई जिसे नीलावंती ने अपनी शक्तियों से पूरी तरह से ठीक कर चुकी थी। फिर हम उस बाइक को लेकर अपने घर जाने लगे थे, तभी नीलावंती कहने लगी थी, अरे मुझे तो लेकर चलो। उसकी ओर देखकर मेरी माँ और मेरी बहन कह रही थी, ये कौन है, ये हमारे साथ क्यों चलना चाहती है, जब हम आ रहे थे तब तो ये हमारे साथ नहीं थी। तो मैं भी कहने लगा था, ये हमारी दोस्त है, ये यहीं ब्रिज पर मिली थी, इसी वजह से मैं यहाँ पर रुक कर इनसे बातें करने लगा था, इसीलिए यहाँ पर इतनी रात हो गई है। तब माँ भी कहने लगी थी, दोस्त है, चलो फिर कोई बात नहीं, चलो आप भी चलिए हमारे साथ, मेरी माँ उनसे कहने लगी थी। उसके बाद हम चारों वहाँ से पैदल आए थे, अपनी बाइक को पैदल लेकर ही अपने घर तक आए थे, क्योंकि हमारा घर उस ब्रिज से ज़्यादा दूर नहीं था। हम अपने घर पहुँचे तो हमारा घर का हालात बहुत ही बेकार सा था, बहुत ही खराब था। तब नीलावंती ने मुझसे कहना शुरू कर दी थी, क्या मैं तुम्हारे घर को महल में बदल दूँ? लेकिन मैं उसकी मुँह बंद करते हुए कहने लगा, चुप,
ये सब बातें मत बोलो, कोई सुन लेगा। उसके बाद फिर हम वहाँ से अपने घर से बाहर आए थे, वहीं पहाड़ी के पास। वहाँ हम उस पहाड़ी के पास पहुंचकर एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठ गए और फिर हम वहाँ पर बातें करने लगे। नीलाबंती मुझे कह रही थी, अगर तुम कहो तो मैं अपनी शक्तियों से तुम्हारी पूरी ज़िंदगी ही बदल दूंगी। लेकिन मैं कह रहा था, नहीं, मुझे ऐसी ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं जो कि तुम्हारे शक्तियों का बना हो। मैं खुद से कुछ करना चाहता हूँ। मैं अपनी मेहनत से, मैं अपनी लगन से अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशियों को हासिल करना चाहता हूँ। नीलाबंती भी मेरी ओर देखकर खुश थी। वो भी कह रही थी, शायद मैंने तुम्हें चुनकर बहुत अच्छा काम किया है, तुम मेरे लिए अच्छे इंसान साबित हो सकते हो। वो मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं उससे कहने लगा था, देखिए नीलाबंती जी, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे घुमाने के लिए लेकर आया हूँ, आप कुछ और सोच रहे हैं क्या? वो भी कहने लगी थी, तुम्हें पता चल जाएगा बाद में, तुम अभी ऐसा क्यों सोच रहे हो, अभी तुम अपने साथ बस अपनी दुनिया घुमाओ। उसके बाद मैं भी कहने लगा था, तो फिर चलना, कल हम दोनों महाराष्ट्र जाएंगे, वहाँ पे मैं स्टंटमैन का काम करता हूँ और तुम भी महाराष्ट्र को घूमना, वहाँ पे घूमने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे जगह हैं, मैं तुम्हें वहाँ पे घुमाऊँगा। नीलाबंती भी मान चुकी थी और हम दोनों अगली सुबह निकल चुके थे महाराष्ट्र जाने के लिए। हम महाराष्ट्र पहुँचे और सबसे पहले तो मैं अपने उस अंकल के पास गया था, अपने दोस्त के अंकल के पास, जिन्होंने मुझे यहाँ पर काम पर रखा था। वो मुझे देखकर कहने लगे थे, अरे बेटा, मैंने तो तुम्हें 10 दिन का टाइम दिया था ना, 10 दिन के बाद शूटिंग है, तुम इतनी जल्दी चले आए, अभी तो 2 ही दिन बीते हैं। तो मैं भी उनसे कहने लगा था, अंकल मुझे महाराष्ट्र घूमना है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो अंकल भी कहने लगे थे, जाओ घूमो, यहाँ पर घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं। और ये लड़की कौन है? तो मैं भी कहने लगा था, ये मेरी दोस्त है, इसी को घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है और इसे घुमाना है महाराष्ट्र। उसके बाद अंकल भी कहने लगे थे, तो फिर कितने पैसे चाहिए? पैसे की ज़रूरत हो तो तुम ले सकते हो, कोई बात नहीं, तुम आगे काम कर देना, मैं उसमें से तुम्हारे पैसे काट लूँगा। उन्होंने मुझे 50,000 रुपये थमा दिए और मैं उन पैसों को रखकर निकल पड़ा था महाराष्ट्र के अच्छी अच्छी जगहों पर घूमने के लिए। मैं उन पैसों को खर्च करना चाहता, लेकिन नीलाबंती मुझसे कह देती, मैंने तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ ना घुमाने के लिए, इसलिए पैसे भी मैं दूंगी। वो सभी जगह ऐसे पैसे देती, अपनी शक्तियों से उन पैसों को लाती और मैं उसे बार बार मना करता। मैं उनसे बार बार कहा करता कि अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, अगर किसी ने तुम्हें ऐसे चुटकी बजाकर पैसे लाते हुए देख लिया तो वो कहेंगे कि तुम ऐसे कैसे ला रही हो पैसे। वो नीलाबंती भी हंस देती और मुझसे कहती, ये किसी को नहीं पता चलेगा, बस ये सीक्रेट है, तुम ऐसा ही समझो। वहाँ पे नीलाबंती बार बार मुझसे ऐसा ही कहा करती और मुझे हमेशा ही डर रहता। फिर इसी तरह मैं वहाँ पर घूमता और शूटिंग के टाइम पर शूटिंग करता। वहाँ पे इसी तरह से मेरे 3-4 महीने निकल गए थे और 4 महीने के बाद मैं अपने घर पहुँचा। मेरी बहन भी मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी और मेरी माँ भी मुझे गले लगाकर कहने लगी थी, चलो इस बार तुम कम से कम 4 महीने तो शहर में काम किए हो, कुछ पैसे तो कमा पाए। मैं भी खुश था। उसके बाद वहाँ पे मेरी दीदी के लिए लड़के देखे जाने लगे और फिर वहाँ पे एक अच्छा लड़का मिल भी गया जिसे नीलाबंती ने पसंद किया था। उसका कहना था कि मैं इसे देखकर पहचान सकती हूँ, इसके स्वभाव बहुत अच्छे हैं। फिर इसी तरह से उनकी शादी हुई और कुछ दिनों के बाद मैं 1 साल तक वहीं उस शहर में ही काम करता रहा था, स्टंटमैन का काम ही करता रहा था और बहुत पैसे कमा लिए थे और उन पैसों से हमने एक बहुत बड़ी घर बनवाई और उसी घर में रहने लगे थे। नीलाबंती भी मेरे साथ ही रहा करती, लेकिन मैं उसे बार बार कहा करता कि तुम्हें अब अपनी दुनिया वापस लौट जानी चाहिए। लेकिन नीलाबंती जब जब मेरे ये शब्द सुना करती, उसके नज़रें झुक जाती, उसके चेहरे मायूस हो जाते और वो मुझसे कहने लगती, अच्छा अब तुम्हारे मतलब ख़त्म हो गए हैं तो तुम मुझे मेरी दुनिया में भेजना चाहते हो। तो मैं भी उसे कहा करता, अरे कुछ तो बोलो कि तुम क्या चाहती हो, तुम क्या चाहती हो कुछ बताओगे तभी तो। तो नीलाबंती भी मेरी ओर मायूसी भरे नज़रे से देखकर कहने लगती कि तुम्हें कुछ नहीं पता। तो मैं भी कहता, अरे मुझे क्या पता। मैं भी हंसते हुए कहता, लेकिन वो कहती, तुम सच सच बताना कि तुम जब मेरे साथ रहते हो तो तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होता, तुम्हें कोई अलग सा अनुभव नहीं होता। तो मैं भी कहता, अलग सा अनुभव क्या होगा, मैं तो यहाँ पे काम करता हूँ और मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ रहता हूँ। तो कहती, तुम झूठ बोल रहे हो, सच सच बताओ। तो मैं भी उसे कहता, अरे तुम सच बताओ, अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो तो बोलो, खुलकर बोलो।
तो नीलावंती ने कहना शुरू की थी कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। पता नहीं, मैं तुम्हारे साथ दुनिया घूमना चाहती थी, लेकिन इन समय में, इन दिनों में तुमसे एक अलग सा ही लगाव जुड़ गया है। हम यक्षिणियाँ किसी पे ऐसे फिदा नहीं हुआ करती। हम अच्छी यक्षिणियाँ हैं, हम ऐसे किसी के ऊपर ऐसे फिदा नहीं हुआ करती। लेकिन तुम्हारा चरित्र, तुम बहुत अच्छे मुझे लगे। तुम किसी भी लड़की को ऐसे बुरी नज़र से नहीं देखते थे, और शायद यही वजह था कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। तो मैं भी कह रहा था, तो इतनी सी बात थी तो तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम इसे बताने में इतना ज़्यादा डर क्यों रही थी? तो कहने लगी थी, क्या सच में तुम मुझे पसंद करते हो? मुझे लगा करता कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बताया करती थी। मुझे लगता था कि मैं अगर तुमसे ये बात बताऊंगी तो तुम मुझ पर गुस्सा करने लगोगे। लेकिन मैं उसे हंसते हुए कहने लगा, अच्छा, तुम यक्षिणी होकर हम जैसे इंसानों से डरती हो? तो वो कहने लगी थी, हाँ, मैं डरती हूँ तुमसे। शायद प्यार ऐसा ही होता है। मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे ऐसे क्यों डरने लगी। मैं तो एक यक्षिणी हूँ, मुझे कोई भी अपने वश में नहीं कर सकता। लेकिन तुमसे ऐसे क्यों डर लगता है मुझे, मुझे नहीं पता। तो मैं भी कहने लगा था, तो फिर तुम क्या चाहती हो? क्या तुम मेरे साथ जीवन भर रहना चाहती हो? तो कहने लगी थी, हाँ, मुझे तुम्हारे साथ जीवन भर रहना है। तो फिर मैं उससे कहने लगा, चलो माँ से बातें करते हैं, लेकिन एक बात, तुम कभी भी अपनी शक्तियों का यूज नहीं करोगी, कभी भी अपने शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करोगी। तो वो कहने लगी थी, क्यों नहीं करूँगी? करूँगी, लेकिन हाँ, सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करूँगी, बुरे कामों के लिए नहीं। उसके बाद मैं भी वहाँ से अपनी माँ के पास पहुँचा था। माँ को सारी बातें बताई और माँ भी खुश थी कि मुझे एक बहुत ही सुंदर लड़की मिल गई है। वो सच में बहुत ज़्यादा सुंदर थी, और शायद इतनी सुंदर लड़की मुझे ढूंढने पर भी नहीं मिलती। उसके बाद हम दोनों ने शादी कर ली, और हम, मैं और नीलावंती और मेरी माँ, अब उसी घर में रहते हैं।